بسم الله الرحمن الرحيم مسجد دار السلام تورنتو كندا Monday after Asr Salah 19th Ramadan 6th of July 2015 Hadith Jibril Hidayat comes down in three forms Description of Islam The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuh الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے آخر میں ایک دن مسجد نبوی میں مجلس ہو رہی تھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب آئے سفید کپڑے کالے بال جیسے ابھی نہا کر گھر میں سے نکلے ہوں کپڑے بدل کر اور وہ مجمع چیرتے ہوئے حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا کر جیسے بے تکلف دوست ہو اب صحابہ حیران کہ کون بندہ ہے اگر یہ مدینہ کا ہے تو مدینہ کا آدمی تو پہچانا جانا چاہیے اور مجمع میں سے کوئی اسے جانتا نہیں ایشیا میں چھوٹے ٹاؤن ہو سٹی دہلی جیسی سٹی میرٹھ جیسا بڑا شہر تو وہاں کے لوگوں کو تو ہر ایک کوئی نہیں پہچانتا لیکن ٹاؤن ہو دیوبند جیسا تو اس کو تو سبھی لوگ پہچانیں گے اب مدینہ کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں تھا ایک لاکھ سے کم کی آبادی تھی تب ایسے چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک آدمی آیا ہے نہا دھو کر کپڑے بدل کر سفید کپڑے پہن کر کالے بال ہیں کنگھی کر کے بیچ میں سے آیا ہے تو کوئی نہ کوئی پہچاننے اور کوئی پہچان نہیں رہا کہ کون بندہ آیا جب باہر سے آیا ہے تو آج کل تو دیوبند سے چل کر ٹورنٹو تک آدمی آ جائے اور کپڑے نہ بدلنے پڑے ایسا ہو سکتا ہے یہ 24 گھنٹے میں آ جائے گا دیوبند سے کپڑے نہا دھو کر بدل کر چلے گا تو 24 گھنٹے میں ٹورنٹو پہنچے گا اور اے سی میں آئے گا ہر پیک کار بھی پیک ہے پلین بھی پیک ہے کوئی گردا بھی نہیں لگے گا یہاں آئے گا جیسا وہاں سے چلا تھا ویسے ہی آئے گا
लेकिन हुजूर के जमाने में ऐसा थोड़ा था। मदीना से मक्का 10 दिन में पहुंचते थे, आजकल 10 घंटे भी नहीं लगते अब, उस वक्त 10 दिन लगते थे। और रास्ते में रेत मिट्टी और हवाएं झक्कड़ चलते थे तो बुरा हाल हो जाता था। तो अगर ये बंदा बाहर से आया है तो ऐसे साफ सुथरा कैसे है, इसका बुरा हाल हो जाना चाहिए। मिट्टी बालों में गर्द गुबार मिट्टी लगी हो, कपड़े मिट्टी मिट्टी होने चाहिए। खैर सब लोग हैरत में से हैं, तो सबकी तवज्जो हो गई कि कौन बंदा है। फिर मजमा चीर कर हुजूर के सामने आकर बैठ कर घुटने से घुटना लगा कर बैठ गया। और उसने सवाल, 4 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा, ईमान क्या है? तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीजों को मानने का नाम ईमान है। अंतुमिन बिल्लाह, अल्लाह को मानो, वो मलाइकती ही, अल्लाह के फरिश्तों को मानो, वो कुतुबी ही, अल्लाह की किताबों को मानो, वो रसूली ही, अल्लाह के रसूलों को मानो, नबी नीचे की हजरात हैं, रसूल ऊपर के, जैसे मौलवी नीचे और मुफ्ती ऊपर, हाई रेंज। तो जो मुफ्ती होगा वो तो मौलवी पहले बनेगा, जबी तो मुफ्ती होगा, उसके बगैर कैसे हो जाएगा। बस रसूलों को जब माना तो नबियों को तो मान ही लिया, नबी तो उस नबी के बने बगैर रसूल बनेगा कैसे। तो 4 चीजें कहा मानो। अल्लाह का मानना क्यों जरूरी है, हर आदमी समझ सकता है, हम अल्लाह के बंदे हैं, वो हमारे खालिक व मालिक हैं, उनको नहीं मानेंगे तो ईमान कैसे होगा। फिर सवाल है कि फरिश्तों को मानना क्यों जरूरी है। फरिश्तों को मानना इसलिए जरूरी है कि मैंने पहले भी समझाया था कि बंदा अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंच सकता है, कोई पीर नहीं चाहिए, कोई वास्ता नहीं चाहिए, ईमान और अमल सालेह चाहिए, खरा ईमान। ईमान भी आजकल गड़बड़ होने लगा है, जो अहलु सुन्ना वल जमा के अकीदे हैं यही खरा ईमान है, और दूसरे गुमराह फिरकों के जो अकीदे हैं वो रॉन्ग ईमान है। तो सही ईमान चाहिए, सही अकीदे, अहलु सुन्ना वल जमा के जो अकीदे हैं वो अकीदे होने चाहिए, और फिर उसके बाद मुस्बत व मनफी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलुओं से नेक काम ये करो, इन कामों से बचो। ये जो बचना है जिना से, सूद खाने से, ये भी नेक काम है, बचना भी नेक काम है, और नमाज पढ़ो रोजा रखो ये भी नेक काम है। तो ईमान चाहिए, अमल सालेह चाहिए, अल्लाह तक पहुंचेगा, कोई वास्ता नहीं चाहिए, वास्ते के बगैर पहुंच सकता है, सकता है, इस लफ्ज को याद रखो, पॉसिबल, वास्ते के बगैर पॉसिबल है अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। बस अगर रास्ते में कोई आदमी मिल गया, उससे पूछा मुझे फलां जगह जाना है, उसने कहा मेरा फॉलो कर, तो और सहूलत हो गई। रोड पर हम जा रहे थे, उसी रोड पर चलते रहेंगे तो उस जगह पर हम पहुंच सकते हैं, पॉसिबल है। रास्ते में एक मिल गया, उसने कहा मेरा फॉलो कर, मैं भी वहीं जा रहा हूं। अब आदमी बेफिक्र उसके पीछे चलेगा, वहां पहुंचेगा। पीर से इतना ही फायदा है कि उसका हाथ पकड़ लिया, दामन पकड़ लिया, अब वो जो जो काम बताए वो काम करते रहो तो सहूलत के साथ अल्लाह तक पहुंचोगे, बाकी जरूरी नहीं। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो बंदों तक पैगाम आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आ सकते। सूरह शुरा में है, मा कान लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह
इल्ला वाहियन औ मिन वराए हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयूही बिइज्निही मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। फरमाया कि किसी इंसान में ये सकत ताकत नहीं है कि अल्लाह उसे रू दर रू कलाम करें। अल्लाह तो अल्लाह है, हम सूरज को टिकटिकी बांध कर नहीं देख सकते, थोड़ी देर में आंखें खैरा हो जाएंगे, और आंखें खैरा नहीं होती हैं, आंखों के पीछे जो दिमाग है जो आंखों से इल्म हासिल करता है वो दिमाग थक जाता है, और सूरज को ज्यादा देर तक आप टिकटिकी बांध कर नहीं देख सकते, तो फिर अल्लाह को बंदा कैसे देख सकता है, अल्लाह से उससे रू दर रू कैसे कलाम करेंगे। अल्लाह की तरफ से बंदों तक जो हिदायत आती है वो तीन तरह आती है। अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ जो हिदायत आती है, बंदों की तरफ नहीं मखलूक की तरफ, बंदों से भी आम कर दो, अल्लाह की तरफ से उसकी मखलूकात की तरफ जो हिदायत आती हैं वो तीन तरह आती हैं। वही के तौर पर, वही के माने हैं इशारा खफिया, ऐसा इशारा कर दिया कि जिसने इशारा किया वो समझता है और जिसको इशारा किया वो समझता है, दूसरा कोई नहीं समझता, सब बैठे हुए हैं लेकिन जिसने इशारा किया वो समझता है, जिसको इशारा किया वो समझता है, दूसरा कोई नहीं समझता, इसको वही कहते हैं, वही के माना बता रहा है। कुरान करीम में है व औहा रब्बुका इलन नहल अन तखज़ी मिनल जिबाल बुयूतन व मिनश्शजर व मिम्मा यअरिशून ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا। अल्लाह ने शहद की मक्खी को वही की, क्या वही की, पहाड़ों में छत्ता बना और लोग जो टट्टियां बांधते हैं वहां भी छत्ता बना, इसको शहद की मक्खियां छत्ता बनाकर उसमें बैठती हैं, पहले छत्ता बना, शहद की मक्खियां कहां छत्ता बनाएंगे, पहाड़ों में, या अगर शहद की मक्खियां पाली हुई हैं तो उनके लिए जो टट्टियां बांधी हैं उन टट्टियों में वो अपना छत्ता बनाएंगे। छत्ता बन गया, कहा अब चल, अल्लाह के रास्तों पर मुनकाद होकर चल, मीलों शहद की मक्खी निकल जाएगी और फिर वहीं आएगी, अपने छत्ते पर ही आएगी, किसी दूसरे छत्ते पर जाकर नहीं बैठ जाएगी। आजकल पानी के जहाज चलते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, रात में चलते हैं, दिन में चलते हैं, उनके पास में कुतुब नुमा आला है, उस आले से वो हवाई जहाज रात में चलाते हैं, पानी में, समंदर में, जहाज चलाते, कुतुब नुमा आला है जिससे, इसके पास कौन सा कुतुब नुमा है, मीलों निकल गई उड़कर और रस लेकर, रस चूस करके फिर अपने छत्ते पर आ रही है, हालांकि उसी पहाड़ में बहुत से छत्ते हैं। वो जो शहद का फार्म लगा रखा है एक आदमी ने, उसने तो बहुत सारी टट्टियां हैं, नहीं अपनी ही जगह पर आए वापस आएगी। ये है ज़ुलुलन का मतलब, अल्लाह ने तेरे लिए रास्ते मुनकाद कर दिए हैं, तू जा और वापस आएगी, भूलेगी नहीं। फिर जाकर क्या कर, फलों में, फलों को चूस, सेब है, सेब पर मक्खी बैठेगी, जैसे हमारी मक्खी
मच्छर सूंड निकाल करके खाल में घुसाता है, ऐसे वो शहद की मक्खी उस सेब के अंदर घुसा करके उसका रस चूसेगी। या दरख्त के फूल हैं, उन फूलों में बैठ करके रस चूस, या पत्ते हैं, पत्तों में बैठ करके रस चूस, और ये चूस करके लेकर वापस आ। ये रस जो फलों में से, पत्तों में से, फूलों में से जो रस चूस कर वो लाई है, वो उसके पेट में जाकर, वहां मशीनें लगा दी अल्लाह ने, उन मशीनों में जाकर मशीनों से शहद बनेगा, हनी, निहायत शिरीन, मीठा, पता नहीं कहां से मिठास आ गई उसमें। वहां जहां रस चूसा था फूल का वो मीठा नहीं, पत्तों का रस चूसा वो मीठा नहीं, वो रस चूस के पेट में गया, अब वहां पता नहीं कहां से उसमें चीनी पड़ी कि निहायत मीठा, फिर उसके पेट में से ड्रिंक बनकर निकली, और ऐसी ड्रिंक जिसमें लोगों के हजार फायदे हैं। कहा ये हमने वही की शहद की मक्खी को कि ये कर, ये शहद की मक्खी को जो इशारा किया है वही की है, ये वही उसके नेचर में ये बात रखी अल्लाह ने, हर मखलूक के नेचर में उस मखलूक के लिए जरूरी इल्म रख दिया है, हर मखलूक की फितरत में, नेचर में उस मखलूक के लिए जो जरूरी इल्म है वो अल्लाह ताला ने भर दिया है। तो शहद की मक्खी के नेचर में ये जरूरी इल्म था जो अल्लाह ने उसके नेचर में भर दिया है, इसको वही कहा। इसी तरीके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास वही आई कि जब बच्चे को मूसा को पालती रहो, जब तुम्हें खतरा महसूस हो पुलिस का कि पुलिस को शायद भनक पड़ गई है और पुलिस इस बच्चे को ढूंढती ढूंढती आएगी, बच्चे को ले जाकर जबा करेगी, तो तुम इस एक बक्स बनाइयो कश्ती नुमा, जैसे कश्ती होती है ऐसा एक बक्स बना करके उसमें बच्चे को लिटा करके दरियाए नील के हवाले कर दिए। ये जो वही आई थी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के पास, तो फरिश्ता आकर कह गया था या उनके दिल में ये बात अल्लाह ने डाली थी? मुफस्सिरीन किराम दोनों बातें लिखते हैं, कोई कहता फरिश्ता आकर कह गया और बाद मुफस्सिरीन लिखते फरिश्ता नहीं आया। आदमी जब कोई परेशान कुन ओकेजन होता है तो आदमी सोचता है कि कैसे बचूं, तो बच्चे को कैसे बचाना पुलिस के हाथ से, सोचते सोचते उनके दिल में ये बात आई कि यूं भी तो बच्चा पुलिस जबा कर डालेगी, तो मैं अपनी आंखों से जबा होता हुआ क्यों देखूं, मैं कश्ती नुमा बक्स बना करके दरिया में डालूंगी, हो सकता है कोई उठा ले और बच जाए, हो सकता है कोई उठा ले और बच्चा बच जाए, घर में तो रहेगा तो पुलिस जबा करेगी। तो उनके दिल में ये बात आई हो, मुफस्सिरीन ऐसा भी लिखते हैं और फरिश्ता आकर कह गया ऐसा भी लिखते हैं। ये उनके दिल में ये बात आई, इसको कुरान में कहा वाओहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की। मैं तो वही के माना समझा रहा हूं, लोग वही का मतलब ही नहीं समझते। इशारा किया अल्लाह ने, हजरत जिब्राइल को भेजा और हुजूर मजमे में बैठे हैं, जिब्राइल आए एक वही पहुंचाकर चले गए, हुजूर ने और जिब्राइल ने एक दूसरे को देखा और जो वही लाए वो हुजूर ने सुनी, और मजमे में से किसी ने जिब्राइल को नहीं देखा, ये भी वही है। अल्लाह नेचर में और फितरत में कोई इल्म रख दे, ये भी वही है। अल्लाह ताला दिल में कोई खैर की बात डाल दें जिसको इल्हाम कहते हैं, ये भी वही है। तो अल्लाह ताला बंदों के पास हिदायत तीन तरीकों से भेजते हैं, एक तरीका ये है, दूसरी सूरत है मिन वराए हिजाब, अल्लाह और बंदे के दरमियान पर्दा होता है,
और बंदा अल्लाह का कलाम सुनता है। तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह का कलाम सुना था तो बीच में पर्दा था, अल्लाह को देखा नहीं था, बगैर देखे अल्लाह का कलाम सुना था। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम बेताब होकर दरखास्त कर बैठे, रब्बे अरिनी अंजुर इलेक, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखाइए। बातें तो आपकी सुनी लेकिन आपका जलवा तो मैंने नहीं देखा, तो मुझे अपना जलवा दिखाइए। ये जो दरख्वास्त की है मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये दलील है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? बीच में हिजाब है, हिजाब है, नूर है, नूर का हिजाब है, और वही नूर का हिजाब दरख्त पर आग की शक्ल में नजर आया था बहुत दूर। मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में से गुजर रहे हैं, रास्ता भूले हुए हैं, सख्त सर्दी का जमाना है और दूर पहाड़ पर आग नजर आई। तो नूर भी नजर आएगा लेकिन आग ज्यादा नजर आएगी। गोया नूर तेज हो जाएगा तो आग की शक्ल इख्तियार कर। बहरहाल ये जो दरख्त पर आग नजर आई थी वो आग नहीं थी, वो दरा हरा हरा दरख्त हरा था और हरा दरख्त जल रहा है और जल नहीं रहा, तो वो आग नहीं थी, वो नूर था। जो शदीद हालत में होने की वजह से आग की शक्ल में नजर आता था। देखो सूरज गुरूब होता है और सूरज उफूक से नीचा चला गया तो ऊपर सुर्खी होती है, ये सुर्खी सूरज की धूप है और सूरज की धूप लाल नहीं है, सफेद है, मगर सूरज गुरूब होने के बाद सुर्ख नजर आती है। क्यों? वो सारे दुनिया से धूप सिमट कर इकट्ठा होकर उफुक पर फोकस आता है तो वो सफेद नूर धूप लाल नजर आती है। नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए थे तो वहां भी पर्दे के पीछे से अल्लाह ने से हम कलाम हुए थे। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, किसी ने पूछा कि आपने मेराज में अल्लाह को देखा तो हुजूर ने फरमाया नूरुन अन्ना उराहु, अल्लाह तो नूर है मैं कहां से उनको देखता। ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। इस रिवायत से मालूम हुआ के मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ने जो कलाम फरमाया था वो मिन वराए हिजाब पर्दे के पीछे से। तो दूसरी सूरत अल्लाह बंदों तक हिदायत जो भेजते हैं तो दूसरी सूरत ये होती है। तीसरी सूरत औ युरसिल रसूलन, या अल्लाह मैसेंजर भेजते हैं। ये अल्लाह के पास में से जो मैसेंजर आता है ये फरिश्ता होता है और कोई भी फरिश्ता आ सकता है। पहाड़ों का फरिश्ता आ सकता है, पहाड़ों का जिम्मेदार फरिश्ता आ सकता है, बारिश का जिम्मेदार फरिश्ता आ सकता है, मौत का जिम्मेदार फरिश्ता आ सकता है, लेकिन अहकाम लेकर हमेशा हजरत जिब्राइल आते हैं। दूसरे फरिश्ते आएंगे तो दूसरे दूसरे मकासिद से आएंगे, वही लेकर यानि अहकाम लेकर के हजरत जिब्राइल हमेशा आते हैं। तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल को भेज दे और वो आकर के वो बात पहुंचा जाए जो अल्लाह को मंजूर है कि मेरे बंदे को वो बात पहुंचे, वो बात जो अल्लाह को मंजूर है वो फरिश्ता आकर पहुंचा जाए। औ युरसिल रसूलन फयूहिय इलैहि बिइज़्निही मा यशा,
ये तीन सूरतें वही की हैं, वही की नहीं, ये तीन सूरतें हैं अल्लाह के बंदों के साथ ताल्लुक की। अल्लाह बंदों तक कोई हिदायत भेजना चाहते हैं तो इन तीन तरीकों में से एक तरीके से भेजते हैं। इसलिए फरिश्तों पर ईमान लाना जरूरी है, जिन्नात पर ईमान लाना जरूरी नहीं है। बेईमाना जरूरी है कि कुरान की मुतअद्दद आयतों में जिन्नात का जिक्र आया है। अगर कोई जिन्नात को वजूद नहीं मानेगा तो उन आयतों का इनकार लाजिम आएगा। इस एतबार से ले गैरी ही जिन्नात को मानना भी जरूरी है, उनका वजूद मानना भी जरूरी है, लेकिन फरिश्तों का वजूद तो मानना ही है। क्योंकि फरिश्तों का वजूद अगर आप नहीं मानेंगे तो सवाल पैदा होगा कि अल्लाह की हिदायत नबियों के पास कैसे आई। इसलिए दूसरी चीज है अल्लाह को मानो, अल्लाह के फरिश्तों को मानो, फिर अल्लाह की किताबों को मानो। कहते हैं बड़ी किताबें तो चार हैं, और कहते हैं कि सारी किताबें 104 हैं। ये जो किताब कहते हैं कोई पक्का सबूत नहीं, चार का तो जिक्र कुरान में है, कुरान तौरात जबूर और इंजील, इन चार का जिक्र तो कुरान में है। उनके अलावा किताबों का भी जिक्र कुरान में है, लेकिन गोल गोल है। सुहूफ इब्राहिम, हजरत इब्राहिम को जो अल्लाह ने किताबें दी थी, कुरान में उनका दूसरी जगह जिक्र नहीं, मगर हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने किताबें दी थी। सुहूफ इब्राहिम, तो इसलिए चार के अलावा कितनी किताबें थी मालूम नहीं, लेकिन थी। जितनी भी किताबें अल्लाह ने नबियों को रसूलों को इनायत फरमाया, सबको मानना जरूरी है, और सारे रसूलों को मानना जरूरी है। सबको मानने की क्या जरूरत है? सबको मानने की जरूरत यह है कि ये तमाम किताबें एक सर चश्मे से आई हैं, ये तमाम रसूल एक हस्ती के भेजे हुए मैसेंजर हैं। आज ये रसूल जो आए हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी उसी सर चश्मे से किताब लाए हैं, और उसी अल्लाह ने इनको रसूल बनाकर भेजा है। बस हमेशा जो अल्लाह के रसूल आते रहे वो भी अल्लाह के भेजे हुए हैं, जो हमेशा अल्लाह की किताबें उतरती रही वो भी अल्लाह की तरफ से हैं। अब ये रसूल जो आए हैं और अब जो कुरान लाए हैं, ये भी उसी सर चश्मे से आए हैं और उसी हस्ती के भेजे हुए आए हैं। एक सीरीज है, एक सिलसिला है, एक जंजीर है, उसकी कड़ियां हैं। इसलिए सारी किताबों को मानना जरूरी है, सारे रसूलों को मानना जरूरी है। अगर आप एक किताब का भी इनकार करते हैं, एक रसूल का भी इनकार करते हैं, मुसलमान नहीं रहे। क्योंकि एक रसूल का इनकार करना, सच्चे रसूल का इनकार करना, सच्ची किताब का इनकार करना, ये तो गोया आपने उस सर चश्मे को ही नहीं माना कि उसने बाज किताबें और बाज रसूल भेजे वो तो सही, और दूसरे बाज रसूल और बाज किताबें भेजी वो हम नहीं मानते। ये क्या बात हुई? बहरहाल ईमान के लिए चार चीजें जरूरी हैं। अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ। तीन चीजें और हैं। एक है अल्यौमुल आखिर, लास्ट डे। हमारी ये दुनिया जो डे टू डे चल रही है, कब से चल रही है अल्लाह जाने, कब तक चलेगी अल्लाह जाने, लेकिन एक बात मानना जरूरी है कि इस दुनिया का लास्ट डे आएगा, अल्यौमुल आखिर। जैसा कि यह मानना जरूरी है कि इसका फर्स्ट डे है, था, कब से चल रही मालूम नहीं, लेकिन फर्स्ट डे था कि फला दिन से ये दुनिया शुरू हुई है और इसका लास्ट डे आएगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, इस दुनिया के साथ जो आखिरत चल रही है, उस आखिरत का भी फर्स्ट डे है,
قدیم نہیں ہے فلا دن سے آخرت شروع ہوئی ہے اور پھر آخرت کا لاسٹ ڈے آئے گا ہی نہیں مگر ہماری یہ دنیا اس کا فرسٹ ڈے بھی ہے اور لاسٹ ڈے بھی آئے گا یہ ماننا ضروری ہے ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی لاسٹ ڈے آئے گا تو دنیا ساری ختم یہ دنیا ادھر سے بھی فانی ادھر سے بھی فانی ادھر سے ہمیشہ نہیں ہے اس کا فرسٹ ڈے ہے اور ادھر ہمیشہ نہیں رہے گی اس کا لاسٹ ڈے آئے گا اور آخرت آخرت کا فرسٹ ڈے ہے فلاں وقت سے آخرت شروع ہوئی اور وہ کنٹینیو چلے گی پھر اس کا لاسٹ ڈے ہے ہی نہیں اور اس دنیا کا جب لاسٹ ڈے آ جائے گا تو تمام مخلوقات مکلف مخلوقات اس دنیا سے آخرت میں ٹرانسفر کر دی جائے گی جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں اور وہ دنیا چلتی رہے گی تو الیوم الآخر کو ماننا ہے دوسری چیز ماننی ہے البعث بعد الموت ہم جو مر جاتے ہیں تو یہ نتھنگ نہیں ہو جاتے ہماری روح تو ویسی ہی باقی رہتی ہے اس دنیا سے پاس اوے آگے بڑھ کر چلی گئی اور ہمارا جسم جو قبر میں رکھ دی ڈال دیا گیا اور مٹی بن گیا اس بدن کو پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے بعث بعد الموت موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کون باڈی ہماری باڈی دوبارہ زندہ ہوگی یعنی ہماری یہ دنیا کا جو لاسٹ ڈے آئے گا اور یہ دنیا ختم مگر ہم نہیں ختم ہوں گے ہم تو جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اس کو بھی ماننا ہے تب ایمان مکمل ہوگا اس کے بغیر نہیں کفار یہ نہیں مانتے کفار یہ مانتے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے ہیں مر گئے نتنگ ایسا نہیں اسلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تم مرتے ہو تو مرنے کے بعد ایک نہ ایک دن تمہیں پھر زندہ ہونا ہے وہ ایک دن ہے قیامت کا دن اس دن تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ دو عقیدے ہوئے ایک اس دنیا کا الیوم الآخر لاسٹ ڈے ماننا ضروری ہے کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے دوسرا جب دنیا کے ختم ہونے کا آخری دن آئے گا تو اس آخری دن میں جتنے مر گئے ہیں سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور تیسرا عقیدہ وہ چار تھے یہ تین عقیدے اس کے ساتھ ملیں گے تو سات عقیدے ہوں گے تیسرا عقیدہ ہے اللہ نے مخلوق کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے اور ہر مخلوق کے لیے الگ الگ اندازہ ٹھہرایا ہے اس کو ماننا ضروری ہے لفظ تقدیر کے معنی ہیں اندازہ اور یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے سورہ فرقان کی دوسری آیت میں ہے الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن وخلق كل شيء فقدره تقديرا اللہ نے ہر چیز بنائی وخلق كل شيء اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تمام چیزیں اللہ ہی نے بنائی ہیں وخلق كل شيء فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا بس ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ اندازہ ٹھہرا ہے یہی تقدیر ہے پر یہ جو حدیث شریف جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بھلی بری تقدیر بھلی بری لوگ تقدیر کو ہی نہیں سمجھتے اور پھر بھلی بری کو بھی نہیں سمجھتے اور بغیر سمجھے پریشان رہتے ہیں تو تقدیر کے معنی سے میں نے بتلائے اور قرآن کی آیت بتلائی وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اللہ نے ہر چیز بنائی اور ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ اندازہ ٹھہرا ہے
और हदीस में जो है कि भली बुरी तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। भली बुरी का क्या मतलब? भली बुरी का मतलब है मुफीद मुजिर, जो चीज किसी मखलूक के लिए मुफीद है वो खैरुल कद्र है, और जो चीज उसके लिए मुजिर है वो शर्रुल कद्र है। अल्लाह ने जो अंदाजा ठहराया है उस अंदाजे में हर मखलूक के लिए बात चीजें मुफीद हैं, बात चीजें मुजिर हैं, इसको मानना है। मिसाल लो, तमाम दरिंदे उनके लिए तकदीर यह है कि वो गोश्त खाएंगे तो मोटे ताजे होंगे, और घास खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, मर जाएंगे। शेर शिकार मारकर खाएगा, मोटा ताजा होगा, और वो हरण उसको मिला कहां है? घास के अंदर हरण मिला है। हरण मार के खाएगा तो मोटा ताजा होगा, घास खाएगा तो बीमार पड़ेगा, मर जाएगा। ये अल्लाह की तकदीर है, उसके लिए गोश्त मुफीद है और घास मुजीर है। चरिंदे चरने वाले वो घास खाएंगे, मोटे ताजे होंगे, और अगर उनके सामने गोश्त टोकरा भर के रख दो तो भैंस नहीं खाएगी, और खाएगी भी तो बीमार होकर मरेगी। ये एक अंदाजा अल्लाह का ठहराया हुआ है कि चरिंद के लिए ये, परिंद के लिए ये, परिंदे होते हैं, दरिंद के लिए ये, दरिंदों के लिए ये मुफीद है, ये मुजिर है, परिंदों के लिए ये मुजिर है, ये मुफीद है, जानवरों के लिए ये मुफीद है, ये मुजिर है। ये जो अल्लाह ने अंदाजा ठहराया है इसी का नाम तकदीर है। अंदा लफ्ज तकदीर के माने प्लानिंग, लफ्ज तकदीर के माने हैं अंग्रेजी में प्लानिंग, और उर्दू में तर्जमा है अंदाजा। हर मखलूक के लिए जो अल्लाह ने अंदाजा ठहराया है ये तकदीर है, और क्या चीजें मुफीद हैं ये अच्छी तकदीर है, और क्या चीजें नुकसान पहुंचाने वाली हैं ये बुरी तकदीर है। अब इंसान पर आओ, तमाम मखलूकात में एक ही चीज है, मादियात, चीजें कौन सी मुफीद कौन सी मुजिर, शेर के लिए, भैंस के लिए, कबूतर के लिए, चीजें। इंसान के लिए सिर्फ एक नहीं तीन चीजें हैं, और तीनों के बारे में अंदाजा है, अंदाजा ठहरा है अजल से। तीन क्या है? मादियात, दूसरी चीज है अकीदे बिलीफ, तीसरी चीज है आमाल डीड। ये अकीदे और ये आमाल दूसरी मखलूकात में नहीं है, ये सिर्फ इंसान में। तो दूसरी मखलूकात के लिए तो सिर्फ मादियात है, और मादियात में जो उसके लिए अल्लाह ने मुफीद और मुजीर तजवीज किया है तमाम जानवर उसका फॉलो करते हैं। और इंसान के लिए मादियात में भी अंदाजा है, तजर्बे से इंसान जानता है कि घी, क्रीम, बालाई, मैलाई ये मुफीद है, तो पैसे खर्च कर करके लाता है और खाता है ताकि फैटमैन बने, और फिर जब फैटमैन बन जाता है तो फिर परेशान हो जाता है। पहले तो चाहता है कि मैं फैटमैन बनूं, तो जब बन जाता है तो फिर रोता है कि मैं बहुत मोटा हो गया, मोटा हो गया, खोटा हो गया तू भाई, मोटा होकर खोटा हो गया। पहले से तूने क्यों ख्याल नहीं रखा, पहले तो क्रीम खूब उड़ाता था। और जहर और संख्या के पास में अगर होशो हवास दुरुस्त हैं तो कोई करीब भी नहीं फटकता, वो जानता है जहर खाऊं मरूंगा। ये जो मादियात के सिलसिले में अल्लाह का अंदाजा है इंसान के लिए,
इंसान जुज रसी के साथ उसको फॉलो कर रहा है, उसको पता चल जाए कि ये चीज मेरे लिए मुफीद है तो हजारों रुपए खर्च करके उसको हासिल करेगा, इस्तेमाल करेगा और उसको जरा भनक पड़ जाए कि फला चीज मेरे लिए मुजीर है, उसके करीब भी नहीं फटते। तो मादियात के सिलसिले में तो हर इंसान अल्लाह की तकदीर का फॉलो कर रहा है, जो अल्लाह ने अजल से ठहरा दिया है कि ये चीजें मुफीद ये चीजें मुजीर। उसी तरह मेरे भाइयों, इसी तरह से अकीदों के सिलसिले में भी तकदीर है, सही अकीदे हैं गलत अकीदे हैं, सही अकीदे अपनाने जरूरी हैं, गलत अकीदों से बचना जरूरी है। यही भली बुरी तकदीर है, भली तकदीर अपनाओ बुरी तकदीर से बचो। सही अकीदे, अल्लाह एक है, कायनात का वही मालिक है, कायनात का वही रब और परवरदिगार सस्टेनर है, ये सही अकीदे हैं। और पैदा करने वाले दो हैं, खैर के पैदा करने वाले यजदा हैं, शर के पैदा करने वाले अहरमन हैं, जैसा कि मजूसी कहते हैं। खुदा तीन हैं, त्रिनिटी, तीन का मजमुआ खुदा है, फादर, सन और होली स्पिरिट, ये तीन मिलकर एक खुदा है, थ्री इन वन, वन इन थ्री, चक्कर, पूरा चक्कर, थ्री इन वन, वन इन थ्री। हिंदू कहते हैं करोड़ों खुदा हैं, कोई हद्दो हिसाब नहीं है, इतने खुदा हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं नो माइंड बिहाइंड दिस काइंड वर्सल, नो माइंड बिहाइंड दिस वर्सल यूनिवर्सल, इस आलम के पीछे कोई दिमाग है ही नहीं, ये सारा आलम ऑटोमेटिकली चल रहा है, फटाफट जा रहा है। अब ये तरह तरह के अकीदे हैं, ये सब रॉन्ग है, जहन्नम में ले जाने वाले अकीदे, और यही एक अकीदा अल्लाह इलाह इल्लल्लाह, यही एक अकीदा है जो जन्नत में ले जाएगा। अब कोई पूछे कि भाई वाई बिलीफ चाहिए, इसका भी अकीदा है, इसका भी अकीदा है, हर एक अपना अपना अकीदा है, नहीं, अल्लाह की तकदीर है कि ये अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में ले जाएगा और ये दूसरे दूसरे अकीदे जहन्नम में ले जाएगा। इसको मानना है, अल्लाह की तकदीर पर ईमान लाना है, वाईफाई कुछ नहीं, जैसे तुम क्रीम में और जहर में वाईफाई नहीं कहते, अल्लाह की तकदीर पर ईमान लाते हो और उसके पर फॉलो करते हो। अकायद में भी अल्लाह की प्लानिंग पर ईमान लाना है, उसका फॉलो करना। और सही राइट अकीदे कौन से हैं? अल्लाह ने अपने रसूलों और अपनी किताबों के जरिए इंसानों को जो अकीदे बतलाए, ये राइट है जन्नत में ले जाने वाले। इसके अलावा जितने बिलीफ हैं वो सब रॉन्ग हैं, जहन्नम में ले जाने वाले। इस बात को मानना जरूरी है, यही तकदीर है। मगर जब ये मरहला आता है तो इंसान तकदीर पर ईमान नहीं लाता। आज देखिए इंसानों के अंदर तरह तरह के अकीदे, और हर अकीदे वाला समझता है मैं जन्नत में पहुंचूंगा, अल्लाह तक पहुंचूंगा, कहां से पहुंचेगा, जहर खा करके भी तो जिएगा, तेरे अकीदे ही जहन्नम वाले हैं तो कहां से जन्नत में अल्लाह तक पहुंचेगा। अल्लाह तक पहुंचाने वाले और जन्नत पहुंचाने वाले तो अकीदे वो हैं जो अल्लाह ने अपनी किताबों के जरिए और अपने नबियों और रसूलों के जरिए इंसानों को तालीम दिए हैं, वही अकीदे इंसान के लिए मुफीद हैं। आमाल में आओ, आमाल में भी प्लानिंग है। देखो निकाह और जिना दोनों इक्वल हैं, निकाह में भी मियां बीवी राजी, जिना में भी जानी जानिया राजी, रजामंदी के बगैर तो जिना होता नहीं। और हमारी एशिया में जबरदस्ती भी जिना होता है, यहां तो होता ही नहीं, वन जल में जाता है। रजामंदी जरूरी है,
तो रजामंदी हो गई तो जिना और निकाह में कोई फर्क नहीं। मगर अल्लाह की किताब और अल्लाह का दीन कहता है कि नहीं, निकाह निकाह है, वो बाइस अजर सवाब है, और जिना अल्लाह को निहायत नापसंद है। वाई वाई फाई कुछ नहीं, ये अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह की प्लानिंग है, अंदाजा है, उस अंदाजे पर ईमान लाना है और निकाह करके जिंदगी गुजारनी है, जिना से बचना है। कत्ले नाहक और कत्ले बाहक, एक शख्स ने दूसरे को जानबूझ करके गलत कत्ल कर दिया, तो इस्लामी शरीयत में इस कातिल को किसासन कत्ल किया जाता है। ये कत्ल बाहक है, और एक एक उसने खामखा गोली मारी, ये कत्ल नाहक है। कत्ल नाहक में और कत्ल बाहक में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं। कत्ल बाहक में जल्लाद आता है, तलवार मारता है, गर्दन अलग कर देता है, ये अब कुर्सी पर बिठाते हैं, बटन दबा देते हैं, जल गया, और गोली मारता है वो भी इसी तरह मरता है। लेकिन नहीं, एक फर्ज है, कत्ल अम्द में कातिल को किसासन कत्ल करना फर्ज है, और नाहक कत्ल करना मोमिन को इतना बड़ा गुनाह है, सूरे निसा में है कि वो हमेशा रहेगा जहन्नम, खालिदन फीहा, दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं, ये कत्ल और ये कत्ल दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने ये तो उसको फर्ज किया, इसको बड़ा गुनाह करार दिया, ये तकदीर है, प्लानिंग है। और मैं मिसाल दूं, औरत के दो रास्ते अल्लाह ने बनाए हैं, आगे का पीछे का, एक को खेती कहा, एक को गनकूड़ी कहा। औरत का आगे का रास्ता उसको खेती कहा, और पिछले रास्ते को कूड़ी कहा। दोनों रास्तों के बीच में एक इंच का भी डिफरेंस नहीं है, दोनों रास्ते मिले हुए हैं, मगर इस रास्ते में अपनी हाजत पूरी करना ये सवाब का काम है, और इस रास्ते में अपनी हाजत पूरी करना सबसे बड़ा लानत का काम है। बीवी की बात कह रहा हूं, मर्दों की भी बात कह रहा है, बीवी की बात कह रहा है। बीवी के लिए, बीवी ने दो रास्ते अल्लाह ने बनाए, और दोनों साथ साथ हैं। एक खेती है, जहां आदमी बीज डालता है तो बच्चा पैदा होकर आता है। दूसरा रास्ता उसके बिल्कुल जस्ट क्लोज दूसरा रास्ता बना है, जो कूड़ी है, गंदगी निकलती उसमें। इस रास्ते में आदमी अपनी जरूरत पूरी करे तो सवाब का काम है, इस रास्ते में अपनी जरूरत पूरी करे तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये कुफार वो कहते वाह, इस रास्ते में जरूरत पूरी करो, इस रास्ते में जरूरत पूरी करो, दोनों बराबर हैं, उनके लेस्बिनिया और गे और फे पता नहीं क्या क्या सब सही है। ये जो कुफार के यहां है वो तकदीर को नहीं मानते, और हम तकदीर मानते कि नहीं, ये जो आगे का रास्ता है इससे अपनी जरूरत पूरी करो, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, और ये पीछे का रास्ता है, चाहे तुम्हारी बीवी है लेकिन ये पीछे का रास्ता है, ये हराम है, ये वहां जरूरत पूरी करो, इतना बड़ा गुनाह है। और जो तकदीर नहीं मानते उनके यहां सब दुरुस्त है। मैं तो मिसालों से फर्क समझाना चाहता हूं कि दो चीजें यकसा नजर आ रही हैं, दो कत्ले यकसा नजर आ रहे हैं, जिना और निकाह यकसा नजर आ रहे हैं, ये दो रास्ते बिल्कुल साथ लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, एक मुफीद एक मुजिर। पहले रास्ते से अपनी सोहबत करोगे सवाब मिलेगा, दूसरे रास्ते से बहुत बड़ा गुनाह होगा। भली बुरी तकदीर में समझा रहा हूं, अल्लाह की प्लानिंग है, अफआल में, मादियात में, अकीदों में, और अफआल करने और न करने के कामों में भी अल्लाह की प्लानिंग है। उस प्लानिंग को मानना जरूरी है, उसका फॉलो करना जरूरी है, इसी का नाम भली बुरी तकदीर है। ये भली बुरी अल्लाह के लिए भली बुरी नहीं है, अल्लाह के ताल्लुक से भली बुरी नहीं है, ये मखलूकात के ताल्लुक से भली बुरी है। शेर के लिए घास मुजिर है, गोश्त मुफीद है, ये भली बुरी तकदीर है।
इंसान के लिए ये अकीदे मुफीद, ये अकीदे मुजीर, ये अमाल मुफीद, ये अमाल मुजीर। मादियात में घी मुफीद, जहर मुजीर। यही भली बुरी मखलूकात के ताल्लुक से मुफीद और मुजीर का मतलब भली बुरी तो नहीं होती, वरना अल्लाह के एतवार से तो कोई चीज बुरी नहीं है, हर चीज भली ही भली है। इस पर ईमान लाना जरूरी है। बस तकदीर का मसला इतना है, बताओ इसके समझने में क्या दुश्वारी है। कल मैंने कहा था कि वेरी सिंपल, तकदीर का मसला निहायत आसान, वो तकदीर का मसला इतना है, इसमें क्या दुश्वारी समझने में। शहरी भी समझ सकता है, देहाती भी समझ सकता है, बड़ा भी समझ सकता है, छोटा भी समझ सकता है, पढ़ा लिखा भी समझ सकता है, बेपढ़ा लिखा भी समझ सकता है, हर आदमी समझता है। और कुरान में है वह खलक अकुल्ला शहीन, कुल्ला शहीन, इंसान सिर्फ नहीं, वह खलक अकुल्ला शहीन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, अल्लाह ने हर चीज पैदा की और हर चीज के लिए अलहदा अलहदा अंदाजा ठहराया। ये जो अलहदा अलहदा अंदाजा ठहरा है यही तकदीर है। इसकी तफसील तो कल करेंगे, आज आगे बढ़ो, हदीस सुनाऊं। फिर इन सात बातों को मानने का नाम ईमान है। जब हुजूर ने ये जवाब दिया तो वो बंदा जो आया था और जिसने पूछा था उसने कहा सदक था, आपने सही जवाब दिया है, यू आर राइट। अब सहाबा सरप्राइज, हैरान कि भैया अजीब आदमी है, सवाल कर रहा है, सवाल करने का मतलब यह कि नहीं जानता। और जब हुजूर ने जवाब दिया तो वो कहता है बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, इसका मतलब वो जानता है। फिर जानता है तो पूछता क्यों है। खैर उसने अगला सवाल किया कि मल इस्लाम, इस्लाम क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच कामों का नाम इस्लाम है। ईमान तो है बिलीफ और ये इस्लाम है डीड। पांच कामों का नाम इस्लाम है। पहला काम, दुनिया में जो बंदे तौहीद और रिसालत मोहम्मदी को नहीं मानते उनके पास जाओ और उनके सामने गवाही दो कि मैं गवाही देता हूं, आई विटनेस, कि माबूद सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लास्ट पैसेंजर है, इसकी भी मैं विटनेस गवाही देता हूं। ये जाकर दो गवाहियां दो उन बंदों के सामने जो ये दो अकीदे नहीं मानते। ये पहला अमल है, शहादत अल्लाह इलाह इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। देखो शहादत गवाही कोर्ट में दी जाती है, आपस में कोई गवाही नहीं दी जाती है, कोर्ट में काजी के सामने। जब एक आदमी दावा करता है कि फला जैद के पास जो घर है मेरा है, जैद से पूछा वो कहता नहीं गलत कहता है, तो अब मुद्दई से कह गवाह ला, तो वो गवाह लाएगा। गवाह लाएगा तो ये जो जैद है जो इनकार करता है इसकी मौजूदगी में ये गवाही देगा, इसकी गैर हाजिरी में गवाही नहीं हो सकती। वो गवाही देंगे कि इसके पास जो जैद के पास घर है वो इसका है, गवाही ये गवाही देंगे। तो मुनकिर के सामने गवाही दी जाती है, ये जैद जो घर का मुनकिर है, घर मेरा है, ये मुद्दई का नहीं है, इस मुनकिर के सामने गवाही दी जाती है। बस दुनिया में जितने लोग इन दो अकीदों के मुनकिर है, पहले अकीदे के मुनकिर सब नहीं है। जूश उनका अकीदा बिल्कुल इस्लाम का और जूश का अकीदा पहला अकीदा एक ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी मैं लंदन में पूरे यूरोप का जो बड़ा रबाई है उससे मैं मुलाकात करने के लिए गया था, तो मैंने उससे पूछा
कि तुम्हारे अकीदे क्या हैं। उसने पूरे अकीदे मुझे लिख कर दिए अंग्रेजी में, उसका मैंने तर्जमा करवाया, मेरे पास हैं। तो अल्लाह ताला के ताल्लुक से उनके जो अकीदे हैं बिल्कुल जो इस्लाम के अकीदे वही हैं, कोई एक जरा भी फर्क नहीं है। बल्कि हमसे ज्यादा वो मुतशद्दिद है। उसने मुझे कहा हम कनीसा में नहीं जाते, चर्चों में हम नहीं जाते, मस्जिदों में हम आते हैं। उसने ये कहा हम चर्चों में नहीं जाते, मस्जिदों में आते हैं। कहा चर्चों में शिर्क होता है, वो सलीब को पूजते हैं, और इस्लाम मस्जिदों में कोई शिर्क नहीं, इसलिए मस्जिदों में जा सकते हैं, चर्चों में हम कदम नहीं रखते, इतने सख्त हैं। और हम तो जाते हैं, चर्चों में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। बुद्धिस्टों का जो फूंक होता है वहां भी जाते हैं। हम ये समझते हैं ये इनके शिर्क है, हमें क्या लेना है। वो नहीं, वो कहते हम चर्चों में कदम नहीं रखते। बाकी जुइश के अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो पहला अकीदा सेम जैसा इस्लाम मानता, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह से पहला अकीदा मानता हो कोई नहीं। ईसाई भी तीन खुदा है, हिंदुओं के यहां करोड़ों खुदा है, फुंगियों के यहां महाबुद्धा खुदा है, कम्युनिस्ट के यहां कोई खुदा नहीं है। ये सब मुनकरीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकरीन है। इनके पास जाओ और गवाही दो कि मैं गवाही देता हूं, यानी मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये बात उसके सामने बयान कर दो बस, उससे नहीं कहना तू मान ले, ये नहीं कहना, उसके सामने अपना अकीदा जाहिर करो। और जो दूसरा अकीदा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको तो जूश भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता इस्लाम के अलावा। लिहाजा ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तो हर एक के सामने कहना है कि आज से 1400 साल पहले मक्के में एक शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम है पाक मोहम्मद था, जिनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला था, जिनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। वो अल्लाह के आखिरी रसूल और प्रोफेट हैं, उन पर अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब मानी। मैं उनको रसूल मानता हूं, मैसेंजर मानता हूं, और अल्लाह ने जो मैसेज उनके जरिए मेरे पास भेजा है कुरान करीम, मैं उसका फॉलो करता हूं। इतनी बात उसके सामने कहता हूं, ये पहला इस्लामी अमल है। मगर मेरे भाइयों, हम कारोबार करते हैं, हमारा नेक्स्ट डोर दुकानदार जो है ये गैर मुस्लिम है, हमारे पास ग्राहक आता जाता है, या हम उसके यहां माल खरीदने जाते हैं, या वो हमारे यहां माल खरीदने आता है, नेबरहुड है हमारा कारोबारी, या हमारे घर पास पास है, या हम प्लेन में बस में गाड़ी में एक साथ बैठे हुए हैं, तो आप बहुत खूबसूरत तरीके, कोई जान पहचान नहीं, आप बहुत खूबसूरत तरीके पर आप पूछे हैं भाई जान कहां के हैं आप, तो बताएगा मैं फला जगह का। अच्छा टोरंटो के हैं, आपका रिलीजन क्या है, तो बताएगा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। अच्छा आप हिंदू हैं जी, हिंदू मजहब किस चीज का नाम है जरा मुझे समझा दो, तो बताएगा जो कुछ उसके समझ में आएगा वो बताएगा। जब वो सारा बता चुके और खामोश हो जाए, तो अब आप आहिस्ता से कहिए भाईजान आप जानते हैं, मुझे जानते हैं, वो कहेगा नहीं मैं भी टोरंटो का हूं, और मेरा मजहब आप जानते हैं, वो कहे नहीं मैं मुसलमान हूं। आपको पता है मुसलमान किसे कहते हैं, वो कहकर नहीं। अब आप ये दो अकीदे उसके सामने रखिए कि मैं सिर्फ अल्लाह एक अल्लाह को माबूद मानता हूं, उसके अलावा मैं किसी की पूजा नहीं करता, बंदगी नहीं करता,
और किसी दूसरे के अहकाम का फॉलो नहीं करता, उसी एक माबूद के अहकाम का फॉलो करता हूं। और आज से 1400 साल पहले एक हस्ती पैदा हुई थी, मैं उनको अल्लाह का रसूल मानता हूं और उनके जरिए से जो अल्लाह ने मैसेज हम इंसानों के पास भेजा है कुरान करीम, मैं उसको अल्लाह की किताब मानता हूं, मैं उसको फॉलो करता हूं। बस आपने अपना इस्लामी फरीजा अदा कर दिए। ये जो पांच ये आमाल इस्लाम जो पांच हैं, उन पांच में से पहला है शहादत अल्लाह इलाह इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, वो शहादत का ये मतलब है। लेकिन एक कले में ये शहादत है, वो जिक्र है, तो लोगों में गलत फहमी हो गई कि तस्वीर लेकर कले में ये शहादत पढ़ डालो बस फरीजादा हो गया। नहीं भैया, वो तो जिक्र हो गया, सवाब मिल गया, लेकिन फरीजा तो अदा होगा। ये दो गवाहियां जो मुनकिर हैं, इन दो अकीदों का जो इनकार करते हैं, उनके सामने जाकर ये दो अकीदे जाहिर करो कि मैं ये दो अकीदे मानता हूं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि उसके लिए लम्हे फिक्रिया पैदा होगा, सोचेगा अपने अकीदे और इस्लाम के अकीदों में कंपेयर करेगा कि मैं करोड़ों खुदा मानता हूं, ये कहता है एक खुदा है, और जिसको एक को मानता है उसको भी मैं मानता हूं, ईश्वर को वो मानता है, परमेश्वर को वो मानता है, भगवान को वो मानता है, और उसके साथ करोड़ों खुदा मानता है। और ये मुसलमान कहता है मैं तो सिर्फ ईश्वर को भगवान मानता हूं और किसी को भगवान नहीं मानता किसी, तो आदमी जहीन होता है, इंसान है, तो अपने अकीदे में और इस्लाम के अकीदे में कंपेरिजन करेगा। फिर आदमी सोचेगा कभी मैं हिंदू तो हूं और ईश्वर खालिक परमेश्वर वदूद भगवान माबूद उसने मेरे पास जो अहकाम भेजे हैं वो किस जरिए से भेजे हैं, तो उसको तो जरिया तो कोई है ही नहीं। और ये कहता है कि रसूल आते रहे, मैसेंजर आते रहे और वो अल्लाह का मैसेज लाए हैं, बात तो ये ठीक कह रहा। तो अगर अल्लाह ने उसकी किस्मत में हिदायत लिखी है, मुकद्दर की है, तो वो ईमान तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो अपना फरीजा अदा कर चुके हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम यानी आमाल पांच हैं। फर्ज पहला तौहीद और रिसालत की गवाही देना मुनकिरीन के सामने, जो कोर्ट में जब इसने दावा किया कि घर मेरा है, जैद ने इनकार किया, अब गवाह जो गवाही देंगे वो इतना ही तो कहेंगे कि हम ये जानते हैं कि ये घर इसका है, अब आगे इसका मानना न मानना इन गवाहों के इख्तियार में नहीं है, और फैसला करना न करना वो तो जज करेगा। इनका काम अपनी गवाही देना है कि हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये घर इसका है। बस गैरों के सामने ये दो अकीदे आप खोल कर समझा दें, इसका हमें शहादत दे दिया आपने, इतना ही हमारी जिम्मेदारी है। अब मुसलमान इस्लाम का इस पहला अमल ही छोड़ दिया। सालों हमारे यहां एक हिंदू नौकर रहता है, मगर हम उस नौकर को बिठाकर कभी नहीं समझाते कि भाई तू हिंदू है, हिंदू किसको कहते हैं, वो कहे मैं नहीं जानता, ये नौकर होते हैं कुछ नहीं जानते, तो उससे कहे तू जानता मैं मुसलमान हूं, मुसलमान किसको कहते हैं, वो कहे नहीं जानता, उसको समझाओ कि हम मुसलमान हैं, मेरे दो अकीदे। अगर हर मुसलमान इस्लाम का ये पहला अमल करने लगे तो गैरों तक इस्लाम की दावत पहुंचेगी और वो तेजी के साथ इस्लाम की तरफ आएंगे। आजकल भी लोग नए मुसलमान हो रहे हैं मगर वो अपने तौर पर मुताला करके इस्लाम ला रहे हैं, हमने कोई इस्लाम की दावत उन तक नहीं पहुंचाई, ये दो अकीदे नहीं पहुंचाए, अपने तौर पर इस्लाम लाते हैं। दूसरा अमल नमाज कायम करना,
तीसरा अमल ज़कात अदा करना, चौथा अमल रोजे रखना रमजान के, पांचवा अमल बैतुल्लाह का हज करना। ये चार अमल आगे और हैं इंसान के पास में। अल्लाह की दी हुई दो नेमतें हैं, एक बॉडी और एक उसमें रूह, और एक जेब में पैसे। ले बेटा गिर गया कहां। तीन चीजें इंसान के पास हैं, एक बॉडी, एक उस बॉडी में रूह और एक जेब में पैसे। ये जो अल्लाह ने तुझे बॉडी दी है इसका हक अदा कर, नमाज पांच नमाजें पढ़। ये जो पांच नमाजें हैं ये अल्लाह ने जो हमें जिस्म दिया है उसका शुक्रिया है, और शुक्रिया अदा करता रहेगा तो ये बॉडी दुरुस्त रहेगी। अब हिंदुओं ने योगा शुरू किया है, एक्सरसाइज वर्जी शुरू की योगा, वो हिंदू भी मानते हैं कि मुसलमानों की नमाज इस योगा से बेहतर योगा है। वो योगा जो करते हैं क्यों करते हैं? हेल्थ के लिए, बदन को दुरुस्त रखने के लिए। अल्लाह ने इसी बदन को दुरुस्त रखने के लिए नमाज रखी है। नमाज पढ़ो हजार योगा से बेहतर नमाज है, मगर नमाज ढंग से पढ़ो। फटाफट 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 मुर्गे की तरह ठोंगे मत मारो, रुकू करो, सही रुकू करो, खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। खड़े तो लोग सीधा खड़े रहते हैं, बाजा बाजा यूं झुककर खड़ा रहता है, वो गलत है। आमतौर पर 99% लोग सही खड़े रहते हैं नमाज, बाज बंदे जरा यूं झुके रहते हैं, ये गलत है, सीधे खड़े रहो। फिर रुकू में जाओ तो तिकोना बनाओ, मुसल्लस बनाओ, नीचे से आधा बदन बिल्कुल सीधा, घुटना आगे निकला हुआ न हो, ऊपर का आधा बिल्कुल सीधा, सर ऊंचा नीचा न हो, और हाथ बिल्कुल सीधा, कोहनी में से हाथ मुड़े हुए न हो। ये सही रुकू है, ये जाविया सीधा, ये जाविया सीधा, और ये जाविया सीधा, और कम से कम तीन मर्तबा और ज्यादा जितना चाहे तस्बीह पढ़ो, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। नफलों में तहज्जुद पढ़ रहे हो 100 मर्तबा पढ़ो तस्बीह। तो अब एक्सरसाइज का फायदा होगा, वरना तो लोग रुकू में गए और खड़े हो चले। ये जो रुकू में गए भी सीधे खड़े भी नहीं हुए, और दूसरा फावड़ा मारा तो सजदे में पहुंच गए, नमाज मकरू तहरी नहीं, दो रुकू कर लिए। एक रुकू तो करके खड़ा हुआ, और भी खड़ा भी पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरा यूं झुका, दूसरा रुकू किया और फिर सजदे में गया, मकरू तहरी में नमाज हो गई। फिर सजदे में जाओ तो पूरा खुलो, हाथ रखो कानों के मुकाबिल, कानों से लगाने नहीं है, कानों के मुकाबिल लगो रखो, ये कलाइयां जमीन से ऊंची रखो, बाजू पहलू से ऊंचे रखो, राने पेट रानों से अलग रखो, लंबे होकर सजदा करो, और जमकर कहो सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला कहते रहो। तो इस तरह से ढंग से नमाज पढ़ोगे तो हजार योगा से बेहतर। करके तो देखो, और इंसान के अंदर जो रूह है उस रूह की पाकीजगी के लिए रोजे हैं। रोजों की फर्जियत की जो आयत है उसमें यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये रोजे तुम पर इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम परहेजगार बनो। परहेजगार कौन बनता है? हाथ टांगे बनती, रूह बनती। बस रोजे रूह को संवारने के लिए, और जेब में जो माल भरा है ये भी अल्लाह की देन है, इसमें से 40% गरीबों को दे ताकि मैल गया, माल का मैल गया। बुखारी की रिवायत में है कि ज़कात अल्लाह ने इसलिए लिखी तोहरन लिल अमवाल, ये कपड़े में मैल हो गया, धोया तो मैल गया और कपड़ा क्लीन हो गया,
तो ऐसे जो माल है इसमें भी मैल आता है, उसको माल को क्लीन करो। वो क्लीन कैसे होगा? अंदर से 40वां हिस्से जो जकात है गरीबों का वो निकालो, बाकी माल क्लीन हो गए। तो मैं तो ये समझा रहा कि नमाज बॉडी की तंदुरुस्ती के लिए, बदन की तंदुरुस्ती के लिए, और रोजा रूह की तंदुरुस्ती के लिए, और जकात माल की तंदुरुस्ती के लिए। यही तीन चीजें हमारे पास हैं। दूसरी मखलूकात उनके पास सिर्फ बॉडी है, उनके पास हमारे जैसी रूह भी नहीं है, और उनके पास बैलेंस तो है ही नहीं। और फिर हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा जी चाहता अल्लाह के घर जाए अल्लाह से। हर मोमिन बंदा वसले इलाही चाहता है, अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह के घर मुलाकात के लिए जाना चाहता है। तो इस दुनिया में उसके लिए एक असेंबली पॉइंट बनाया है मक्के में, काबा शरीफ, जाओ हज करो, अल्लाह का घर वो है, जाकर अल्लाह से मिल कर आओ। वो पूरी दुनिया के लिए वो असेंबली पॉइंट है, सारी दुनिया में लोग। जाहिर है क्या अल्लाह तक, वो तो मरने के बाद जन्नत में पहुंचने के बाद अल्लाह से मिलना और दीदार होगा, अभी तो वो नहीं हो सकता। लिहाजा कुछ ना कुछ तो चाहिए, दाल दलिया तो चाहिए। वो दाल दलिया मक्के में असेंबली पॉइंट बना है, अल्लाह का घर काबतुल्लाह बैतुल्लाह, जाओ वहां का हज करके आओ, वहां का जाकर आओ, गोया हम अल्लाह के घर जाकर आए। ये हज इसलिए है कि हर बंदा चाहेगा कि अपने माबूद से मिले, पहुंचे उसके घर पहुंचे, और इस दुनिया में नहीं पहुंच सकता तो जितना पहुंच सकता है उतना इंतजाम किया है और हज रखा है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पांच कामों का नाम इस्लाम है, तौहीद और रिसालत मोहम्मदी की गवाही दो, नमाज का एहतमाम करो, जकात अदा करो, महीने रमजान के रोजे रखो, और बैतुल्लाह का हज करो अगर तुम वहां पहुंच सकते हो। तो उस बंदे ने कहा सदक था, आपने सही कहा। अब साहब फिर हैरान हो गई, पूछ रहा है और हुजूर जवाब दे रहा है, तो कहता ओके। फिर उसने तीसरा सवाल किया, मल एहसान। एहसान आप ज्यादा अरबी नहीं जानते, एहसान हुस्न से है, हुस्न के माना तो जानते हो तुम, खूबी ब्यूटी, और एहसान उससे बाबे इफाल है, किसी चीज को उम्दा बनाना। तो उस बंदे ने पूछा कि जो आप पांच आमाले इस्लाम हैं, इनको हम शानदार बनाना चाहें, नमाज शानदार पढ़ना चाहें, रोजा जकात हज शानदार करना चाहें, तो कैसे करें? मल एहसान। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमाल को शानदार बनाने के दो तरीके हैं, एक हाई क्लास मगर वो हर एक के बस में नहीं, दूसरा लोअर क्लास जो हर एक के बस में है। लेकिन हाई क्लास है, अदना दर्जे का तरीका अदना है, बाकी दो तरीके अगर तुम इबादत शानदार बनाना चाहते तो आमाल, नमाज रोजा जकात हज शहादतें, इसको शानदार बनाना चाहते हो तो एक तरीका तो ये है, गोया की लाग रखकर हुजूर ने फरमाया इबादत अल्लाह को देखते हुए करो। दरसगाह में उस्ताद बैठा है, अब सब बच्चे बैठे हैं, उस्ताद को देख रहे हैं तो वाकई पढ़ेंगे, डोंग नहीं करेंगे कि उस्ताद सामने बैठा है। अब हम इस दुनिया में अल्लाह को तो देख नहीं सकते, तो गोया की लाग रखी, लाग नहीं समझते आप जरा, ये उर्दू का लफ्ज है। हमें किवाड़ में एक कील ठोकनी है, तो अगर किवाड़ में कील रख करके यूं भी हो तो किवाड़ हिलेगा, तो बड़े ही पीछे बिसोला पकड़ेगा और इधर से भी ठोकेगा, उसको यूं दबाएगा और इधर से ठोकेगा। ये जो पीछे से बिसोला पकड़ा है इसको लाग रखना कहते हैं। अगर लाग रखे बगैर कील ठोकेगा तो केवाड़ हिलेगा, वो जाएगी नहीं ढंग से,
और पीछे बिसोला पकड़ रखा, दबा करके दब ठोकता जाए, कभी चली जाए। तो लाग रखने का मतलब मैं समझा रहा हूं, तो गोया, गोया की लाग रखी, और गोया की लाग रखकर कहा कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम देख रहे हो। फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्न का तरह, इबादत कर तू अल्लाह की, गोया तू अल्लाह को देख रहा है। गोया, ये गोया की लाग रखती है, क्योंकि हकीकतन अल्लाह को देख नहीं सकता कोई, लेकिन गोया के दर्जे में तो हो सकता है, ये हाई क्लास है। मगर इस दर्जे तक पहुंचना हर मोमिन के बस का नहीं। आदमी तस्वूर में गोया अल्लाह को देख रहा है और इबादत करे, ये इंसान के बस में नहीं। इसलिए हाई क्लास तरीका, आला दर्जे का तरीका तो है, इतनी शानदार इबादतें होंगी कि उससे ज्यादा शानदार का तस्वूर नहीं कर सकते, लेकिन ये हर एक के बस का नहीं। और दूसरा तरीका हर एक के बस का है, वो ये है कि हर मोमिन का ये अकीदा है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अपना इस अकीदे को ताजा करो जहन में, और जहन में ताजा करके अब नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, इतना मुसलमान का अकीदा है। बस जब इस अकीदे को ताजा करके, ये दूसरा तरीका है नीचे दर्जे का और हर एक को हासिल है, लिहाजा इस अकीदे से इबादत करो, इस अकीदे को जहन में हाजिर करो, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, शानदार नमाज हो, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं ज़कात दे रहा हूं, शानदार देना हो। तो हुजूर ने फरमाया ये दो तरीके हैं इबादतों को शानदार बनाने के, ये दो तरीके हैं, एक हाई क्लास है मगर वो हर एक के बस का नहीं है, और एक लोअर क्लास है जो हर एक के बस का है। हाई क्लास ये है कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, इस तरह इबादत करो, और छोटा नीचे का तरीका है एक अल्लाह मुझे देख रहे हैं, इस अकीदे को हाजिर करके इबादत करो, शानदार इबादत होंगी। फिर उसके बाद उसने चौथा सवाल किया, ये जो हमारा ईमान है और हमारे आमाल हैं, ये किस लिए है? आखिरत के लिए। ईमान भी आखिरत की कामयाबी के लिए है, आमाल भी आखिरत की कामयाबी के लिए। और आखिरत कब आएगी? कयामत आएगी, उसके बाद आएगी, कयामत कायम होगी, उसके बाद जन्नत ही जन्नत में पहुंचेंगे। लिहाजा कुदरती सवाल हुआ कि हमने पांच आमाल किए और अल्लाह को देखते हुए किए, ये अल्लाह हमें देख रहे हैं इस अकीदे के साथ किए, तो अब ये बताओ कयामत कब आएगी? मतसा, ये चौथा सवाल उसने किया, कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया, उस बंदे से कहा, इस मामले में जितना आप जानते हैं उतना मैं जानता हूं। आप जानते हैं कयामत बिल यकीन आएगी, मैं भी जानता हूं कयामत बिल यकीन आएगी, और आप नहीं जानते कि कयामत कब आएगी, तो मैं भी नहीं जानता कयामत कब आएगी। तो उस बंदे ने कहा, अच्छा कयामत कब आएगी ये नहीं मालूम, तो कुछ उसकी मोटी मोटी निशानियां बताओ, ताकि उन निशानियों से हम समझ जाएं कि कयामत करीब आ लगी, कयामत आने वाली। तो हुजूर ने फरमाया, हाँ निशानियां सुनो, बांदी, उस जमाने में बांदियां होती थी, जो जंगों में गुलाम, जो कैदी पकड़े जाते थे, तो मर्द गुलाम और औरतें बांदी बना दी जाती थी, और बांदी बमंजिले बीवी के होती थी, और जो आकाम बीवी के हैं वही बांदी के आकाम होते थे। तो फरमाया कि बांदी अपने अंतले दल अमत और रब बतहा, अपनी सेठानी को जने, बांदी अपनी सेठानी को जने, एक तो बीवी और बीवी से कम दर्जा बांदी, फिर बांदी से जो औलाद होगी वो उसके मौला के औलाद है तो आजाद होगी, वो बांदी नहीं होगी। तो एक आदमी की बांदी है, उसको मौला उससे सोहबत करता है, उसे लड़की पैदा हुई, अब ये लड़का लड़की जो पैदा होंगे आजाद हैं, अब वो देखेंगे कि मेरा अब अब्बा
उसके उसकी माँ के साथ कैसे बर्ताव करता है, बांदी के तरफ बर्ताव करता है, तो ये बेटा बेटे बड़े होकर ये भी उसी तरह से बर्ताव करेंगे। ये बेटी सेठानी बन गई और वो अपनी माँ पर वही अहकाम जारी कर रही जो उसका बाप कर रहा था। देखो मेरे भाइयों, समझो, जो घर में माँ बाप करते हैं लड़का लड़की वही सीखते हैं। हर वक्त माँ और बाप लड़ते रहते हैं तो बेटी जो दूसरे के घर जाएगी वो भी यही करेगी अपने शौहर के साथ। बेटा जो ये हमेशा देखता रहता है जब उसकी बीवी आएगी तो भी यही करेगा। आज हम रोते हैं अपने बेटे और बेटियों के लिए रोते हैं, मगर सोचते नहीं है कि हमने जो बीज कड़वा बीज बोया है उसका ये फल है। तो जब मौला उस बांदी से, बांदी के तौर पर वो सेठ है और ये उसकी नौकरा नहीं है, तो इसकी जो लड़की पैदा हुई है वो भी खड़ी होकर बड़ी होकर बाप की तरह से बर्ताव करेगी। तो बांदी ने अपनी सेठानी जनी, यानी औलाद नालायक हो गई, माँ बाप बेटा नहीं, बेटी माँ पे हुक्म चलाने लगी। सेठानी बेटी जनी है, सेठानी बनाई। बेटा अगर माँ पर हुक्म चलाए ये भी अजीब बात है, लेकिन बेटा नहीं, बेटी माँ पर हुक्म चला रही है सेठ की तरह। ऐसा ना हंजार औलाद होने लगे जब ये जमाना आए तो कयामत करीब समझो। दूसरी अलामत ये बताई कि अल्लाश लोग खाने के लिए घर में दाने नहीं है, ऊंट चराते हैं, काले काले ऊंट चराते हैं निहायत मामूली कीमत के, उनके पास इतनी दौलत आ जाए कि बिल्डिंग बनाने में कंपटीशन होने लगे। ऐसे मामूली लोगों के पास इतनी दौलत आ जाए तो समझ लो कयामत करीब है। ये दो अलामतें हुजूर ने बतलाई। उस बंदे ने कहा सदकता, आपने सही कहा। फिर वो उठ के चला गया, उसको जाने दिया। कुछ वक्त तक के बाद हुजूर ने कहा वो बंदा गया था उसे बुला के लाओ। अब बाहर गए तो वहां कोई है ही नहीं, वापस आए गया असल तो नहीं है। हुजूर ने कहा जानते हो कौन था? वो जिब्राइल थे। वो आए थे, उन्होंने ऐसे सवाल किए जिसमें पूरे दीन का खुलासा आ गया। तो अब उन्होंने ऐसे सवाल किए ताकि उनके सवाल से मैंने जो जवाब दिया उसको आप लोग याद रखो, ये पूरे दीन का निचोड़ और खुलासा है। अब पता चला कि हजरत जिब्राइल थे, इंसानी शक्ल में आए थे। हजरत जिब्राइल जब आते थे तो अक्सर सहाबा ही नहीं देखते थे, हुजूर ही देखते थे, लेकिन कभी कभी सहाबा भी देखते थे। बहरहाल इस हदीस का नाम है हदीस जिब्राइल। जिब्राइल ने सवाल किए थे, हदीस जिब्राइल इसका नाम है। और इसमें तकदीर का जिक्र आया है कि तकदीर को मानना जरूरी है, लिहाजा कल बताएंगे कि तकदीर अंदाजा उसका क्या मतलब है। और वो तो मैंने समझा दिया, तकदीर एक अंदाजा है, हर मखलूक के लिए तकदीर है, अंदाजा है, और वो अंदाजा इंसान के लिए भी है। बस तकदीर इतना ही है, मगर तकदीर का मसला दूसरे दो मसलों के साथ गुडमुड हो गया, उसकी वजह से मुश्किल हो गया। वो दूसरे दो मसले जिसके साथ तकदीर का मसला गुडमुड हो करके पेचीदा बन गया है उसकी शराह कल करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हमदा।